जानते हैं हिंदू धर्म की 11 खूबियां। हिंदू धर्म को संसार का सबसे पुराना धर्म कहा जाता है। यही कारण है कि इसे सनातन धर्म कहा गया है। सनातन यानी जो सदा से रहा है। सदा से रहने का मतलब यह है कि जब सृष्टि की रचना हुई तब उस समय से लोग इस धर्म को मानते चले आए हैं। इसे देवताओं द्वारा स्थापित धर्म भी माना गया है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जब जब धर्म की हानि होती है और धर्म बढ़ता है तब तब मैं धर्म की पुनर्स्थापना के लिए अवतार लेता हूँ। यानी इसे भगवान द्वारा स्थापित और संचालित भी माना गया है। इसे हिंदू धर्म की पहली विशेषता मान सकते हैं कि इस धर्म को किसी मनुष्य द्वारा नहीं बल्कि देवताओं के द्वारा स्थापित और संचालित कहा गया है। हिंदू धर्म की प्राचीनता और महानता का सबसे बड़ा उदाहरण ऋग्वेद है। इसे हिंदू धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। कहते हैं कि ऋग्वेद की उत्पत्ति भगवान विष्णु के मुख से हुई है। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान विष्णु ने पहली बार ऋग्वेद का पाठ किया था। इसके बाद ऋषि मुनियों ने द्वारा ये पीढ़ी दर पीढ़ी प्रचारित और प्रसारित किया होता है। कहते हैं कि करीब 3800 साल पूर्व ऋग्वेद लिखित रूप में आया, जबकि इससे पहले यह एक दूसरे से सुनकर ही प्रचारित होता रहा। हिंदू धर्म के अनुसार भक्त भगवान के द्वारा पर यानी मंदिर में किसी भी समय जा सकते हैं। भगवान का ध्यान पूजन करने के लिए कोई समय बंधन नहीं है। भक्त को जब समय मिले तभी वो अपने आराध्य की उपासना कर सकता है, क्योंकि हिंदू धर्म मान्यता है कि ईश्वर कण कण में है, हर क्षण में हर स्थान पर मौजूद है। स्त्री पुरुष समानता का भाव जैसा हिंदू धर्म में प्रकट होता है वैसा किसी अन्य धर्म में नहीं है। इसका प्रमाण भगवान शिव का अर्धनारीश्वर स्वरूप है, जिसमें शिव के आधे अंग में देवी आदि शक्ति का वास माना गया है। इसी स्वरूप को आधार मानकर हिंदू धर्म में जीवन संगनी को अर्धांगनी भी कहा जाता है। हिंदू धर्म उल्लास और आनंद का धर्म है। इसमें कभी भी और किसी के लिए भी शोक मनाने की बात नहीं है। यही वजह है हिंदू धर्म में राम कृष्ण के जन्म दिवस को उल्लास पूर्वक मनाया जाता है, लेकिन इनके शरीर त्याग की तिथि तक का कहीं जिक्र नहीं मिलता। कहीं कुछ जिक्र भी है तो गौण है, क्योंकि हिंदू धर्म कहता है कि राम और कृष्ण ने भले ही शरीर त्यागे हैं लेकिन वह सदा सर्वदा हमारे बीच उसी रूप में मौजूद हैं, जिसे हम शक्ति भक्ति भाव से महसूस कर सकते हैं। यानी हिंदू धर्म में शोक का कोई स्थान नहीं है। इस धर्म में अध्यात्म और संन्यास के साथ ही धनार्जन को भी खूब महत्व दिया गया। यानी ऐसा नहीं है कि आप अध्यात्म के लिए घर द्वार छोड़कर सन्यासी बन जाए, बल्कि यह धर्म कहता है कि हर चीज का एक समय निर्धारित है। यह अवस्था में आप देवी लक्ष्मी और कुबेर को प्रसन्न कीजिए, यानी धर्म पूर्वक खूब धन कमाइए। गरीबी में जीना भी पाप कहा गया है, क्योंकि मनुष्य अभाव में होने पर गलत काम कर सकता है और पाप का भागी हो सकता है। इसलिए कहा गया है कि धन कमाओ और पाप से बचो, लेकिन यह अवस्था ढलते ही मोह माया को त्याग कर अध्यात्म और संन्यास की राह पर चल पड़ो। हिंदू धर्म में चल और अचल दोनों तरह के देवताओं का जिक्र किया गया है। अचल देवता है मूर्ति रूप में विराजमान देवता, जिन्हें आप मंदिर और घरों में पूजा स्थल पर देखते हैं, जबकि चल देवता धरती पर चलने वाले हर जीव जंतु हैं। यानी हिंदू धर्म में हर जीव को भगवान माना गया है। गीता में इस बात का उल्लेख करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वह हर जीव में आत्मा रूप में विराजमान रहते हैं, इसलिए सभी जीवों में मुझे देखना चाहिए और जो यह रहस्य जान लेता है वह पाप से मुक्त हो जाता है। हिंदू धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जिसमें 33 कोटि देवी देवताओं का जिक्र किया गया है। अन्य किसी भी धर्म में इतनी बड़ी संख्या में देवी देवताओं का जिक्र नहीं है। हिंदू धर्म में मृत्यु को भी देवता माना गया है। यमराज को जीवों के प्राणों को हरने वाला, भगवान शिव को सहार और प्रलय करने वाला कहा गया है। बावजूद इसके इन्हें देव और महादेव कहा गया है। यानी हिंदू धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जिसमें मारक को भी पूजनीय माना जाता है, इनके प्रति आदर का भाव प्रकट किया जाता है। इसकी वजह यह है कि हिंदू धर्म में मृत्यु को मुक्ति का मार्ग माना गया है। हिंदू धर्म धर्मों में लचीला भी माना गया है। इसका एक उदाहरण यह है कि इसमें काम भाव को भी महत्व दिया गया है और इसे आवश्यक बताया गया है। यही वजह है कि इस धर्म में काम के देवता कामदेव मौजूद हैं, लेकिन कामोक्त को बुरा माना गया है। यही वजह है कि एक तरफ कामदेव को कामातुर दिखाया जाता है तो दूसरी ओर भगवान शिव को उसे भस्म करते हुए दिखाया गया है। यानी सृष्टि संचालन के लिए काम आवश्यक है, लेकिन जब यह अति होने लगे तो इसका अंत होना जरूरी है। अवतारवाद की जैसी परिकल्पना हिंदू धर्म में है वैसा किसी अन्य धर्म में नहीं है। हिंदू धर्म में बताया गया है कि हर युग के अंत में भगवान का अवतार होता है और नए युग का आरंभ होता है। इस समय कलयुग चल रहा है। कहते हैं कलयुग के अंत चरण में मनुष्य व्यभिचारी हो जाएंगे, संबंधों की मर्यादा को भूल जाएंगे, स्त्रियों में लज्जा समाप्त हो जाएगी, मनुष्य पशुवत व्यवहार करने लगेगा। तब भगवान कल की अवतार लेकर धर्म को पुनः स्थापित करेंगे। कल की अवतार की यह परिकल्पना कहीं और नहीं है। जय श्री राम।